कृषि बिल के विरोध में आज किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया। यह रेल रोको आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक चलेगा। इसी के तहत भारतीय किसान यूनियन के द्वारा मथुरा के राय रेलवे स्टेशन पर रेल रोकने का ऐलान किया गया था। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से स्टेशन पर सुबह से ही भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। वहीं दोपहर बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष बुद्धा सिंह अपने पदाधिकारी के साथ राया रेलवे स्टेशन पहुंचे और स्टेशन पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। बुद्धा सिंह ने बताया, राष्ट्रीय आह्वान पर रेल रोको अभियान किया जा रहा है, इसी के तहत हम राया रेलवे स्टेशन पर एकत्रित हुए और ट्रेन के आने से पहले उसको माला पहनाकर उसका स्वागत किया जाएगा, ट्रेन को रोका जाएगा। वहीं एसपी देहात श्रीचंद ने जानकारी देते हुए बताया, किसान आंदोलन के तहत रेल रोको आंदोलन के आह्वान पर सुरक्षा की दृष्टि से राया रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। इसमें एक कंपनी पीएसी, 4 एसएचओ, कई थानों का पुलिस बल और आरपीएफ मौजूद है। अभी तक एकमात्र रेल स्टेशन पर होकर निकली है, जिसे किसानों द्वारा तिरंगा दिखाया गया और ट्रेन सकुशल आगे की ओर चली गई। मथुरा से हमारे सहयोगी मनीष शर्मा की खास रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन द्वारा रेल रोको कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसके परिप्रेक्ष्य में व्यापक पुलिस प्रबंध किया गया है और एकमात्र ट्रेन थी जिसे कि सकुशल निकाला गया है। किसानों द्वारा मात्र तिरंगा इसको दिखाया गया है और ट्रेन सकुशल जा चुकी है, किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ। कुल कितना फोर्स था, कहाँ कहाँ से फोर्स? एक कंपनी पीएसी थी और एसएचओ 4 थे, एसडीएम थे और अन्य फोर्स भी अन्य थानों की उपलब्ध थी। रेलवे द्वारा भी फोर्स लगाया गया? रेलवे जीआरपी आरएफ की भी फोर्स यहाँ पर मौजूद थी और अब सकुशल ट्रेन जा चुकी है, किसी भी प्रकार का मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ है। क्या है राष्ट्रीय आह्वान पर आज रेल रोको आह्वान है, तो यहाँ पे राया स्टेशन पे प्रस्ताव था कि यहाँ पे हमें सबको इकट्ठा होना है, इकट्ठे हुए हैं, रेल का इंतजार कर रहे हैं, रेल आएगी तो सभी रेल का स्वागत करेंगे, पहले फूलमाला पहना करके यात्रियों को जलपान कराएंगे और जो हमारी जो काले कानून है उनके बारे में सभी यात्रियों को बताएंगे, अपना विरोध जताएंगे। देखिए, राया स्टेशन पे आज किसान इसलिए आया है, राष्ट्रीय आह्वान है आज का रेल रोको आंदोलन। उस रेल रोको आंदोलन के दौरान ऊपर के निर्देशानुसार हम लोग स्टेशन पर रेल रोकने के लिए आए हैं। फिर क्या प्रोग्राम है रेल का, कोई पता चला कब आई, कौन सी ट्रेन आ रही है? अब देखिए, हम 12 बजे से 4 बजे तक बैठेंगे, ये आह्वान है हमारा, हम उसी क्रम में अपना काम कर रहे हैं और ये हम कोई शौक के लिए नहीं कर रहे हैं और न किसी को आहत करने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हम काम और प्रोग्राम इसलिए हमारा है ये कि किसान की बात को सुना नहीं जा रहा, सरकारों को हम बनाते हैं, सरकारें बनने के बाद में किसान की अनदेखी और अनसुनी कर देती है। 3 महीने से ज़्यादा होने जा रहा है, आप मीडिया से कोई छुपी हुई बात नहीं है, किसान पड़ा है, पूरी सर्दी का टाइम निकल गया बैठे बैठे और अपनी जायज़ मांग को कहते कहते, लेकिन उस बात पर कोई गौर नहीं किया जा रहा। आज भी हमें आप लोगों के माध्यम से, आप एक मध्यस्थ हैं, अधिकारीगण भी यहाँ हैं, आपके माध्यम से कहना चाहेंगे किसान की उन बातों को, जायज मांगों को माना जाए, बिलों को वापस लिया जाए, एमएसपी पे कानून निर्धारित की जाए, इससे और अलग हमारा कोई मांग नहीं है। हम मुख्य रूप से इन मांगों को चाहते हैं कि ये काले कानून हैं, तीनों बिलों को वापस लिया जाए, एमएसपी पे कानूनी प्रक्रिया दी जाए, ये हम लोग चाहते हैं और हमारी मांग।